वेलकम बैक टू मालवीय कैड सॉल्यूशन। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा होल विजार्ड में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर देखिए 2022 या 2021 या 2020 आपके पास सॉलिडवर्क्स वर्जन है तो उसमें आप कोई भी होल विजार्ड में जाके मल्टीपल होल कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्केच क्रिएट करेंगे हेक्सागन, अब यहां पर इसका डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं 45 mm। 2024 में ये फीचर ऑलरेडी एक न्यू ऐड हो गया है जिसमें इस स्केच को सिलेक्ट करने पर सारे होल यहां पर अप्लाई हो जाते हैं, बट हम यहां पर हमारे पुराने वर्जन में ही अप्लाई करने वाले हैं। अब इसे एग्जिट कर देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है और नॉर्मल व्यू कर देना है। फिर यहां पर होल विजार्ड में जाएंगे। होल विजार्ड में यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पे होल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर काउंटर सिंक होल सिलेक्ट कर रहा हूँ, अनसीमेट्रिक फ्लैट यहाँ पे सॉकेट काउंटर सिलेक्ट कर देते हैं, M8 नॉर्मल थ्रू ऑल। अब यहाँ पर पोजीशन सेट करेंगे। पोजीशन में आपको कोई सा भी एक पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न में आ जाना है और इसे ओपन कर देना है। फिर यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है, ओरिजिन पॉइंट को, और यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न कितने हमारे 6 नंबर है, तो यहाँ पर 6 अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर डायरेक्टली आपके पुराने सॉलिडवर्क्स वर्जन में इस तरह से मल्टीपल होल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो काउंटर सिंक हो या काउंटर बोर हो या टैप होल हो, किसी भी तरह के होल मल्टीपल एक ही क्लिक में आपके सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।